नमस्कार स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन है। अभी तक आप जानते हो कि एंगल का रिप्रेजेंटेशन डिग्री में कैसे होता है, ये आपको बहुत अच्छी तरह पता है, लेकिन आज हम सीखेंगे कि रेडियन क्या होता है और रेडियन का डिग्री के साथ क्या रिलेशन होता है। साथ में हम आपको ये बताएंगे कि एक डिग्री में मिनट्स कितने होते हैं और मिनट्स और सेकेंड में डिग्री को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ये बातें इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले समझते हैं कि रेडियन क्या होता है। देखिए, रेडियन किसे कहते हैं और रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन है, ये समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये एक सर्कल है, राइट। इसकी रेडियस ये आर है और ये आर्क है, ठीक है। इसको इससे ज्वाइन करें, ये आर्क आपके पास ए और बी है, इसका सेंटर ओ है, तो यहां पर ये एंगल बनना है। एंगल कितने डिग्री का है शायद आप ये फाइंड आउट कर सकते हो, इसको नाप कर, प्रोट्रैक्टर से इसे नाप कर आप देख सकते हो ये कितने डिग्री का है। लेकिन ये रेडियन कैसे निकाला जाएगा, ध्यान रखिए स्टूडेंट्स। यदि एंगल थीटा है, यदि एंगल थीटा है तो थीटा जो होता है वो हमेशा आर्क अपॉन क्या होता है, रेडियस होता है। आर्क अपॉन रेडियस, ये आर्क अपॉन रेडियस में ये जो निकल के आता है इसका जो यूनिट आता है वो आता है रेडियन। कितना बोला जाता है, ये रेडियन, इतने रेडियन का एंगल बनेगा। रेडियन का साइन जो होता है, ये साइन होता है स्मॉल सी, ऊपर स्मॉल सी लगा देते हैं तो क्या माना जाता है, ये रेडियन माना जाता है। आप ये कह सकते हो कि थीटा जो होता है वो एल अपॉन आर, ये एल है ध्यान रखें, एल अपॉन आर रेडियन होता है, ठीक है। यदि आपके पास ये आर्क 3 सेंटीमीटर है और रेडियस आपका 2 सेंटीमीटर है तो आप कह सकते हो कि ये जो एंगल आएगा थीटा कितना आएगा, थीटा आपके पास आएगा 3/2 रेडियन, ठीक है। आप ये कह सकते हो कि थीटा जो आएगा वो 1.5 रेडियन आएगा, ये एंगल जो बनाएगा कितना आएगा, 1.5 रेडियन। ये आर्क है, ये रेडियस है, ये एंगल थीटा कितना निकलेगा, थीटा हमेशा होता है एल अपॉन आर, लेकिन इसका यूनिट क्या होता है, रेडियन। ये जो एंगल आता है वो क्या होता है, रेडियन। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द रेडियन। मैं बताता हूँ, यदि आपके पास ये आर और ये आर्क दोनों इक्वल हों तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा दैट इज द 1 रेडियन। आपके पास एल इक्वल टू क्या हो, आर हो, तो थीटा जो आएगा वो कितना आएगा, 1 रेडियन आएगा, ठीक है। ये डेफिनेशन है रेडियन की। रेडियस की डेफिनेशन क्या है कि ये आर्क और रेडियस दोनों इक्वल हैं तो सेंटर पर जो एंगल बना रहा है आर्क वो क्या होगा, 1 रेडियन होगा। अब आप समझते हैं रिलेशन बिटवीन द डिग्री एंड रेडियन। आप स्टूडेंट शायद ये जानते हो कि यहां से लेकर यहां तक टोटल एंगल दिया जाए तो एंगल कितना बनता है, कितना बनता है, 360 डिग्री। लेकिन मैं आपसे कहूं कि ये एंगल रेडियन कितना बनेगा, तो रेडियन बनेगा एंगल थीटा इक्वल टू टोटल आर्क अपॉन रेडियस। क्या बनेगा, टोटल आर्क अपॉन रेडियस। टोटल आर्क कितना होगा, यहां से लेकर यहां तक टोटल आर्क कितना होगा, ये आर्क कितना होगा यहां से लेकर यहां तक, यदि रेडियस आर है तो ये आर्क कितना होगा, 2πr। बहुत अच्छा, तो आप यहां क्या लिखोगे, ये एंगल थीटा आएगा 2πr और रेडियस कितना है r, ये एंगल कितना बनेगा, इतने रेडियन बनेगा। थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 2π रेडियन, कितना हो गया, ये जो एंगल बनेगा सेंटर पर ये कितना बनेगा, 2π रेडियन बनेगा, ठीक। और आप डिग्री में कितना जानते हो इसको, ये डिग्री में कितना होता है, 360 होता है, तो आप ये कह सकते हो कि इन रेडियन, सॉरी इन डिग्री थीटा कितना है, 360 डिग्री है और रेडियन में इतना है, तो आप कह सकते हो कि 2π रेडियन जो होता है वो हमेशा कितना होता है, 360 डिग्री होता है ना। 2 से कैंसिल कर सकते हो, तो आप ये कह सकते हो कि पाई रेडियन जो होता है 180 डिग्री होता है। ये रिलेशन है डिग्री और रेडियन में, पाई रेडियन इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री, याद रहेगा ना। बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिए कि पाई रेडियन जो होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है।
अब मैं आपसे कहूं कि एक रेडियन कितना होगा, तो एक रेडियन आएगा 180 डिग्री अपॉन पाई, इतना आएगा। और मैं आपसे कहूं कि एक डिग्री कितना आएगा, तो आप ये कह सकते हो कि एक डिग्री के लिए इससे इसको डिवाइड कर दो, तो पाई अपॉन 180 रेडियन, आप ये भी कह सकते हो, ठीक है। अब मैं आपसे कहूं कि 60 डिग्री है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करिए, तो 1 डिग्री कितना होता है, 1 डिग्री इतना होता है। यदि डिग्री को पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिग्री को पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किस में चला जाएगा, रेडियन में चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा रेडियन में, आप कहोगे 60 इंटू पाई अपॉन 180, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, पाई अपॉन 3 रेडियन। इस तरह से आप कोई भी एंगल कर सकते हो, डिग्री को पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करोगे, डिग्री को पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करोगे तो किस में चले जाओगे आप, रेडियन में चले जाओगे। और रेडियन से आपको डिग्री मिलाना हो, आपसे कहे कि जरा बताइए कि पाई बाय 6 रेडियन है, इसको डिग्री में बदलिए, तो सीधी सी बात है इस पाई की जगह पर क्या रख दो, 180 रख दो। तो क्या कह सकते हो, 180 अपॉन 6 डिग्री। यदि पाई की जगह 180 डाल दिया जाए तो सीधा डिग्री में चले जाएंगे, और डिग्री को रेडियन बनाना हो तो पाई अपॉन 180 से क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई करोगे तो किस में चले जाओगे, रेडियन में चले जाओगे। बात समझ आ गई ना, बहुत अच्छी तरह से। आप यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी एंगल आएगा उससे कन्वर्ट कर सकते हो। आप एक बात और मैं बता दूं कि पाई रेडियन इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री होता है। आप यहाँ पर कह सकते हो कि पाई के हमारे पास जो वैल्यू है वो अप्रोक्स कितनी वैल्यू है, वो है 22/7 रेडियन भी कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। रेडियन अधिकतर पाई के टर्म में लिखे जाते हैं, ठीक है, कोई फिक्स नहीं है, लेकिन अधिकतर एंगल क्या होता है, पाई बाय 3, पाई बाय 2, 2 पाई बाय 3, 3 पाई बाय 4, इस तरह के एंगल लिखे जाते हैं। रेडियन में एंगल पाई के टर्म में आते हैं और डिग्री में पाई के टर्म में एंगल नहीं आते, ठीक है ना। अब मैं आपको बताऊंगा इसके बाद कि एक रेडियन कितने डिग्री के बराबर होता है, ठीक है ना। आप एक बार इसे बहुत अच्छी तरह से कॉपी कर लीजिएगा। स्टूडेंट, आप मेरी बात समझ रहे होंगे। यदि आप ट्रिकोमेट्री चैप्टर की प्लेलिस्ट देखना चाहते हो तो आप यहाँ पर आई का आइकन बना हुआ है, इस पर क्लिक करके ट्रिकोमेट्री चैप्टर की प्लेलिस्ट देख सकते हो, ठीक है ना। यदि आप मेरे से बात करना चाहते हो तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दे रखा है मैंने, उस नंबर पर आप मेरे से बात कर सकते हो, लेकिन टाइम मेंशन कर रखा है मैंने, उस टाइम पर आप मेरे से बात करें प्लीज़, क्योंकि दूसरे प्रोग्राम में बिजी होने के कारण मैं हर समय आपका फोन अटेंड नहीं कर सकता हूँ। चलिए डिस्कस करते हैं कि 1 रेडियन कितने डिग्री की गोल होता है। लेकिन एक बात और मैं आपको बता दूं छोटी सी, कि डिग्री का एक छोटा यूनिट और भी होता है। एक डिग्री जो होता है वो ध्यान रखिएगा 60 मिनट होता है, दिस इज साइन फॉर मिनट, राइट। और एक जो मिनट है वो कितना होता है, 60 सेकेंड होता है डिग्री। आप अब ये मत सोचें कि 60 मिनट में एक डिग्री बनेगा, ये मीनिंग नहीं है। डिग्री का एक छोटा पार्ट, कहने का मतलब 60 मिनट को क्या कहा जाता है, एक डिग्री कहा जाता है, और 60 सेकंड को क्या कहा जाता है, एक मिनट कहा जाता है। डिग्री, मिनट और सेकंड, डीएमएस, हम किसी एंगल को डीएमएस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री, मिनट और सेकंड। एक रेडियन जो है इस फॉर्मेट में कन्वर्ट की जाएगी, रेडियन किस फॉर्मेट में कन्वर्ट की जाएगी, डिग्री, मिनट और सेकंड, ठीक है ना। मैं अब आपको बताने जा रहा हूं कि एक रेडियन कितना डीएमएस होता है। डीएमएस का मतलब मेरा है डिग्री, मिनट और सेकंड। आपको मैंने बता दिया है कि एक डिग्री किसकी इक्वल होता है, 60 मिनट की इक्वल होता है, और एक मिनट जो है वो 60 सेकंड की इक्वल होता है। अब हम समझते हैं कि 1 रेडियन क्या हुआ। देखिए, हम कन्वर्ट करना चाहते हैं 1 रेडियन, ठीक है। 1 रेडियन को किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हैं। हम ये जानते हैं कि पाई जो रेडियन होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना, आपको मैंने बताया। तो 1 रेडियन कितना हो जाएगा, 1 रेडियन हो जाएगा 180 अपॉन पाई डिग्री, है ना। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो 180 अपॉन पाई डिग्री, ऐसा लिख सकते हो ना, ठीक है। अब देखिए, आप इसे ऐसे लिख सकते हो 180 अपॉन पाई की जगह आप 22/7 डालें तो इतना डिग्री, है ना। यदि आपके पास यहां पर कुछ और नंबर होता, मान लेता हूं यहां पर 4 होता, तो यहां पर क्या हो जाता, 4 से मल्टीप्लाई हो जाता। यहां पर 6 होता तो 6 से मल्टीप्लाई हो जाता,
प्रोसीजर जो बता रहा हूँ वही रहेगा। मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि 1 रेडियन कैसे कन्वर्ट करा जाएगा, लेकिन आपसे कहा है 6 रेडियन कैसे कन्वर्ट करा जाएगा, तो ठीक है आप 6 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, प्रोसीजर तो वही रहेगा ना काम करने का। ठीक है, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको 1 रेडियन कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो आपने कहा 1 रेडियन कितना होता है, 180 अपॉन पाई डिग्री, पाई की जगह आपने क्या पुट करा 22/7। इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 180 × 7 अपॉन कितना आएगा 22 डिग्री। आप कैंसिल कर दीजिए इसे, ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 90 × 7 अपॉन कितना हो जाएगा 11 आ जाएगा, ये कितना आएगा डिग्री आएगा। ठीक, अब देखिए इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 630 डिवाइड बाय कितना आएगा 11, कितना आएगा ना, ठीक है कितना आ जाएगा 55, कितना बचेगा यहाँ पर 80, यहाँ पर आएगा 77 और कितना बचेगा 3, है ना। अब इसे कैसे लिखोगे, ये तो डिग्री फिक्स आ गया ना, है ना, इसे कैसे लिखोगे देखो समझिए मैं कैसे लिख रहा हूँ, इसे लिखेंगे 57 टाइम कंप्लीट हो गया डिग्री प्लस क्या लिखेंगे 3 अपॉन 11 डिग्री। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 57 डिग्री कंप्लीट प्लस 3 अपॉन 11 डिग्री, और हम ये जानते हैं कि 1 डिग्री कितना होता है 60 सेकंड होता है, सॉरी 1 डिग्री जो होता है 60 मिनट होता है। अब हम क्या करें, इसको 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो किस में पहुंच जाएंगे हम भाई, इसको 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम जानते हैं कि 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट होता है, इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनट में चले जाएंगे, तो क्या करेंगे इसे हम, इसे लिखेंगे 57 डिग्री प्लस 3 अपॉन 11 इंटू कितना हो जाएगा 60, तो कितना हो जाएगा ये 180 हो जाएगा ना, ये नंबर कितना होगा 180, ये हो जाएगा 57 डिग्री प्लस 180 अपॉन 11 मिनट, क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर डिग्री का साइन नहीं आएगा, जब आपने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया ये मिनट हो गया ना। ठीक है, अब आप ऐसा करिए 180 को किससे डिवाइड कर दीजिए, आप 180 को 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा साहब 11 कितना बचेगा 7 0 66 कितना बचेगा 4, क्या लिख पाओगे इसे, इसे लिखोगे 57 डिग्री तो फ्रेश रहेगा प्लस ये कितना हो जाएगा 16 मिनट कंप्लीट हो गया प्लस कितना हो गया 4 अपॉन 11 मिनट, इतना हो गया ना 16 मिनट तो कंप्लीट हो गया ना 4 अपॉन 11 मिनट ही हो गया। अब इस मिनट को किससे मल्टीप्लाई करना है, 60 से मल्टीप्लाई करना, किस में चले जाएंगे सेकंड में चले जाएंगे। अब क्या करें 57 डिग्री प्लस 16 मिनट प्लस 4 इंटू 60 अपॉन 11 किस में चले जाएंगे, अब यह मिनट का साइन नहीं आएगा, क्या हो जाएगा ये सेकंड, ध्यान रखिए दिस इज अ साइन फॉर मिनट एंड दिस इज अ साइन फॉर द सेकंड, और 0 ये साइन फॉर द डिग्री और हाफ सी दिस इज साइन फॉर द रेडियन आधा सी, याद रहेगा ना। चलिए अब क्या करें, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 240 डिवाइड बाई 11, समझ रहे हो ना मेरी बात, ठीक है इसको इसे डिवाइड करें तो 2 टाइम होगा ना 22 आ जाएगा और यहाँ पर 2 आएगा 0 आएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 1 times 11 आएगा और 9। अब देखिए ये 9 जो है इसे हाफ से ज़्यादा है तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो 2 कर सकते हो, क्यों हम सेकंड से आगे नहीं जा पाते हैं, तो अप्रोक्स कितना आ जाएगा ये 57 डिग्री 16 मिनट प्लस 22 सेकंड, क्या कहेंगे 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड, दिस इज द 1 रेडियन इक्वल टू कितना लिखा जाएगा 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड। मेरी बात आप समझ गए होंगे, आपको यहाँ पर कुछ भी हो आप नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवीजन क्या हो जाएगा ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, मेरी बात समझ रहे हो ना।
कर सकते हो ना, आपको कोई भी नंबर दे। चलिए मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ कि आप मुझे बताइए कि 6 रेडियन कितने डिग्री इक्वल होता है। मेरा होमवर्क क्या है, मेरा क्वेश्चन आपके पास ये है, ध्यान रखना कि 6 रेडियन को आप चेंज करिए चेंज इन इन डीएम डीएमएस, 6 रेडियन को चेंज करिए इन डीएमएस। डीएमएस का मतलब है डिग्री मिनट और सेकंड में क्या करिए इसे चेंज करिए, ठीक है ना, इसको समझ जरूर करिए। और हाँ, ये वीडियो अपने फ्रेंड को शेयर करेंगे जरूर करिए, है ना, करेंगे, ठीक, वेरी गुड। और लाइक बटन में क्लिक करिए, अपना ख्याल रखिए और मन लगा के पढ़ाई करिए, डेली पढ़ाई करिए, ठीक है ना, पढ़ाई में कभी गैप नहीं होना चाहिए, पढ़ाई क्या होनी चाहिए, डेली होनी चाहिए। आप जितना टाइम ड्यूरेशन मैथमेटिक्स को देते हैं लेकिन डेली दीजिए, ठीक है, आपकी डेली प्रैक्टिस होनी चाहिए, एक काम करने की डेली आदत होनी चाहिए कि मेरे को मैथमेटिक्स 1 घंटे करना है, 1/2 घंटे करना है, 2 घंटे करना है, ये आप पर डिपेंड करता है, लेकिन ये फिक्स फ्रीक्वेंसी में होना चाहिए काम, ये नहीं कि 1 दिन काम कर लिए और 4 दिन आराम से सो लिए, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए, थैंक यू वेरी मच।